टीवी न्यूज, न्यूज तेलंगाना टेलीविजन। कह सकते हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी अपनी इज्जत की हिफाजत करेगी, मेरी बीवी अपने बच्चों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, मॉल में, शॉपिंग मॉल के अंदर, बाजारों में इंटरटेन करने के लिए आप उतना ही ज्यादा इन बुराइयों गुनाहों के दलदल में उतरते चले जाएंगे। और नतीजा ये होगा कि अल्लाह ने अगर 40, 50, 60 साल की जिंदगी दी है, आप कैलकुलेशन करोगे तो पता चलेगा कि आपने 40, 50, 60 साल जिंदगी में अल्लाह तबारक तआला को राजी करने के लिए सिवाय रमजान शरीफ चंद बड़ी रातों के, सिवाय जुमा की चंद रकातों के, बाकी सारा का सारा वक्त जो था वो सोशल मीडिया पर तबाह कर दिया। और सरकार मदीना के तर्जमानों, जब दुनिया से रुखसत हो गए तो सिवाय हाथ मलने के आपके कुछ भी लगने वाला नहीं है। फिर उस वक्त अफसोस होगा, काश मैं होगे, लेकिन मौत का फरिश्ता आपकी रूह को खींच कर ले जाएगा और आप दुनिया से इस हाल में जाओगे कि आपके फॉलोअर्स तो होंगे, सब्सक्राइबर्स तो होंगे, लेकिन आपके मरने के बाद आपकी कब्र पर कोई यासीन शरीफ पढ़कर आपको बख्शने वाला नजर नहीं आएगा। दिनों पहले की बात, एक नौजवान सऊदी अरब से हिंदुस्तान आया था, बलात्कारी पर निकाह होना, पूरी तैयारियां शुरू हो गई। जिस दिन बारात जाना था उसके दो दिन पहले लड़के ने अपने माँ बाप से कहा, लड़के ने कहा ठीक है, उसने कॉल किया होने वाले ससुर साहब को और कहा कि मैं आ रहा, इंतजाम हो गया, अब अगर तू शादी नहीं करेगा हमारी नाक कट जाएगी, हमारी बेटी से। सोचो, जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को पर्दे का हुक्म दिया, जिस नबी ने अपनी शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी हैदराबाद की जानिब से रियासती इज्तिमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश सतह का रियासती इज्तिमा 2019 का जारी वसारी है, जो 9 और 10 फरवरी को बतरतीब मुनाकिद हुआ। कल का दिन 9 फरवरी बरोज़ हफ्ता ख्वातीन के लिए इज्तिमा था, जिसका अख्तिताम कल रात 8 बजे खुसूसी जिक्र और खुसूसी रिक्कत अंगेज़ दुआ और सलातो सलाम पर हुआ। इंतहाई रिक्कत अंगेज़ कैफियत दुआओं के दौरान दो ख्वातीन इस्लाम इंतहाई गिरियाज़ारी के साथ आहो बुका करती हुई जिनकी आवाज़ें सुनाई दी और बहुत नूरानी कैफियत और जज्बाती कैफियात थी। और हज़ारों हज़ार की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह ख्वातीन इस्लाम में इस इज्तिमा में शिरकत की हवा नज़र आया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा दिन इतवार का दिन 10 फरवरी 2019 का दिन है, जो मर्द हज़रात के लिए मखसूस इज्तिमा ऐलान के मुताबिक है और सुबह 8 बजे से, जिसका आगाज़ क़िरत कलाम पाक, तिलावत क़ुरान और तर्जम क़ुरान बज़ुबान उर्दू और अंग्रेज़ी, उसमें सिलसिला उससे शुरू हुआ और फिर बयानात नात पाक और उर्दू ज़ुबान में और इंग्लिश में भी स्पीचेस रही हैं, कंपेबिलिटी ऑफ इस्लाम मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऐसे अहम तरीन उनवान और टॉपिक पर भी खसूसियत से इंग्लिश में भी खिताब रहा। और उसके अलावा दीगर अहम तरीन उनवानात पर खिताबात का सिलसिला जारी है। अभी जो आवाज़ हम और आप सुन रहे हैं वो हज़रत मौलाना सैयद डॉक्टर प्रोफेसर सैयद अली मशरफ जायसी साहब प्रोफेसर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का खिताब हो रहा है, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के मौजूदा हालात और इस्लाम में इल्म और अखलाक की अहमियत के उनवान पर अहम तरीन खिताब चल रहा है। इससे पहले सोशल मीडिया दौर जदीद का एक फितना इस उनवान पर खिताब हुआ, उससे कबल तरबियत औलाद और नबवी तरीक़ाकार, इस पर भी खिताबात हुए। और सुबह से अहम तरीन उनवानात पर नमाज की अहमियत है, वालदैन के हुकूक है और अच्छे माहौल की बरकतें हैं। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी अमीर दाई कबीर हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी हफीज़ुल्लाह मुद्दज़िल्लु नूरानी का खिताब, पैगंबर इस्लाम का आलमी पैगाम अमन, इस उनवान पर आप खिताब फरमाएंगे। उसके बाद खुसूसी जिक्र और खुसूसी दुआ और रिक्कत अंगेज़ दुआ और सलातो सलाम पर इज्तिमा का इख्तिताम होगा। रात 10 बजे इज्तिमा इंशाअल्लाह इख्तिताम को पहुँचेगा। इस हवाले से इंतजामात के हवाले से गवर्नमेंट के तमामी शोबाजात और जितने डिपार्टमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सबकी बहुसनों को भी खिदमात का सिलसिला जारी और सारी है। पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस का भी बहुत अच्छा नज़म है, कल का भी रहा और आज भी बहुत अच्छे पैमाने पर ट्रैफिक पुलिस का भी बहुत कोऑपरेशन और बहुत अच्छा नज़म है। और अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा के तमाम तर इंतजाम हल्के पार्लिमान हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ MP अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खुसूसी हिदायत पर इलाके के बहादुरपुरा इलाके के MLA साहब
معظم خان صاحب اور مقامی کارپوریٹر الحاج محمد مبین صاحب ان کی خصوصی دلچسپی اور ان کی توجہات رہی اور ایم پی صاحب کی ہدایت پر ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین بھی خاص دورہ کیے اور وہ بھی تمام ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو خصوصی توجہ دلائے اور انتظامات بڑے اچھے انداز میں چل رہے ہیں. میڈیا کا بھی بہت خاصا الحمدللہ اچھا سا تعاون رہا. یہ اصلاحی اہم ترین دینی فریضے کی تکمیل اور دینی خدمات کے حوالے سے جو ہماری اپنی خدمات بھی ہیں تو میڈیا کے بھی جتنے اصحاب ہیں کیمرامینس ہیں رپورٹرس ہیں ساروں کے بھی ہم شکر گزار ہیں. انہوں نے بھی اپنا دینی فریضہ سمجھ کر اس میں آگے بڑھ چڑھ کر انہوں نے بھی وقت نکالا, قربانی دی, تکلیفیں برداشت کی اور انہوں نے اس میں بہت بڑا حصہ ادا کیا کہ عوام تک اجتماع کی دعوت عوام تک پہنچائے. میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں.